हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने कुछ नया बनाया है, नया तो नहीं पर पुराने से कुछ नया बनाया है, वैसे नया ही बनाया है। ये प्यारा सा टॉप मैंने पुरानी कुर्ती से बनाया है। ये कुर्ती मेरी नुकीली चीज़ से फट गई थी, तो मैंने सोचा फेंकने से पहले या पोछा डब बनाने से पहले कुछ जुगाड़ कर लिया जाए, तो जुगाड़ करके ये सुंदर सा टॉप बनाया है। तो चलिए अब हम प्यारा सा टॉप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कैंची ली है, इंची टेप लिया है और स्केल लिया, साथ में चौक भी लिया है। तो इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए हमारा जो पार्ट है, जो नुकीली चीज से कट गया था, तो ये पार्ट है। तो इसको फैला के अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसका मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट में मैंने अपर पार्ट को कट करना है। अपर पार्ट 14 इंच पर हमने कट किया है, तो 14 इंच पर मार्क कर लेंगे और हाफ इंच हमें मार्जिन लेना है। इसी तरह से और आगे भी निशान लगा लेंगे। तो जब तक मैं निशान लगा के कट कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। ऊपर वाली लाइन पे हमें सिलाई रखनी है और नीचे वाली लाइन से हमें कट कर देना है। तो अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड से रख देंगे। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। नीचे का पार्ट जो है उसको अच्छे से फैला लेंगे। अब ये जो हमारा जहाँ से कटा हुआ हिस्सा है, इसको हम सीधा करके कट कर देंगे। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और अब हम इसको कट कर देंगे। तो अब हमारा ये जो नीचे का पार्ट बचा हुआ है, एकदम अच्छा सा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से कट कर देंगे इसको। इसकी लंबाई 9.5 इंच है। तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। ये हमारे फोर पार्ट रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारे नीचे का पार्ट रेडी हो गया है और ऊपर का पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम सिलाई करना शुरू करते हैं। सिलाई करने के लिए मैंने ये अपर पार्ट है तो इसको साइड से रखेंगे, और ये जो नीचे का पार्ट है इसके फोर पार्ट हैं, तो दो दो पार्ट करके हम इसमें सिलाई कर लेंगे। दो पार्ट मिला के सिलाई करेंगे। तो जो सीधे साइड है उसको हम अंदर की तरफ रख के पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और ये जो किनारे का पार्ट है, जो चौक बनी थी, उसको मैंने कट नहीं किया था, तो पहले कट कर लें। मैंने इसको बाद में कट किया है। अब मैं इसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद हमारा ये पार्ट तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट तैयार करना है। सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से पकड़ लेंगे और पहले ये जो किनारी है उसको हम कट कर देंगे। तो कट करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसमें पक्की सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब एक पार्ट में तो नीचे सिलाई ऑलरेडी थी, एक पार्ट में सिलाई नहीं थी, तो उसको हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम एक फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर एक और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। हम बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करेंगे। तो चलिए अब हम इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो कटा हुआ पार्ट था वो भी अंदर हो गया है। तो अब हमारे दोनों पार्ट बढ़िया से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको साइड से रखेंगे। अब ये जो ऊपर का पार्ट है इसको लेंगे, और ये जो किनारी से हमारी फिटिंग थी उसको भी हम ओपन कर लेंगे। सिलाई तोड़कर हम ओपन कर लेते हैं इसको। हमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई खोलनी है। तो अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे।
ज्वाइंट करने के लिए मैंने ये पीस लिया है जो कट किया था, अब जो तैयार किए थे हमने पीस, तो इनको हम रख के सिलाई करेंगे। थोड़ी सी हम सिलाई करने के बाद अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो छोटी छोटी सी चुनटें डालेंगे और हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो पहले ये जो पार्ट तैयार किए हैं इसमें पहले से ही चुन्नट बना के तैयार करके फिर जोड़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसी में चुन्नटें बना के तैयार कर रही हूँ। तो चलिए अब हम इसी तरह से पूरे पार्ट में हम चुन्नटें बना के तैयार कर लेते हैं। प्लेट्स बना के अब हम तैयार करके दिखाते हैं आपको। हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर ही तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। तो चलिए हम बैक पार्ट रेडी करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम इसमें पीछे साइड लास्टिक डालेंगे। आप चाहें तो लास्टिक स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको उल्टा करके लास्टिक लगा के दिखाते हैं। आप प्लास्टिक अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आप फिट करना चाहें तो उस हिसाब से ले सकते हैं। प्लास्टिक लगाने से हमारे टॉप वगैरह में अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो प्लास्टिक को हम रखेंगे और हल्का खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का खींचते हुए और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे बैक पार्ट में सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। हमारी थोड़ी सी इलास्टिक ज़्यादा है तो जो ज़्यादा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फिटिंग को। ये मेरी ही कुर्ती थी तो मेरी फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, तो जो भी जितनी सिलाई थी मैं बराबर रखते जाऊँगी। आप कोई छोटी बड़ी कुर्ती हो अगर तो उस हिसाब से फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं फिटिंग करके तैयार करके आपको दिखाती हूँ। आई होप मैं जितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ शायद आपको समझ में आ रहा है। जहाँ आपको ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको टॉप अच्छा लगे तो टॉप के लिए लाइक तो बनता है। तो इस तरह से मैंने एक साइड फिटिंग कर ली है, पक्की सिलाई रख के तैयार कर लेते हैं। सेम इसी तरह से मैं सेकेंड साइड भी फिटिंग करके तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम पूरे में फिटिंग करके आपको तैयार करके टॉप को तैयार करके दिखाते हैं। मैंने फिटिंग कर लिया है, अब हम इसको सीधा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा प्यारा सा सुंदर सा टॉप बनके तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने कटी हुई कुर्ती का यूज करके कितना सुंदर और प्यारा सा टॉप बनाया है। इस तरह से आप भी सुंदर से टॉप बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको टॉप पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम टॉप को पहना के दिखाते हैं। ये देखिए हमारे एकदम अच्छे से फिटिंग का टॉप बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।